हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सब अपने हेल्थ का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे, और अगर नहीं रख रहे रखिए, हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इधर उधर का खाना मत खाइए, बाहर से नहीं खाइए, और अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन है इसमें तो आप लोग जितना हो सके अपने घर में ही जो बना के खाइएगा वही अपने हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बनाऊँगी वेज चाउमीन, जिसमें सब कुछ वेजिटेबल्स डाल के बनेगा। सबका सब लोग जानते होंगे, सबका अलग तरीका होगा, पर ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। होप आप लोग को ये अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये सारा वेजिटेबल्स लिया है, कुछ मशरूम लिया है, पनीर, टमाटर, गाजर, बीन्स, कुछ हरी मिर्च, कुछ कैप्सिकम, यही सारे चीज़ से बनेगा क्योंकि ये वेजिटेबल्स वाला चाउमीन है। तो पहले मुझे चाउमीन को बॉयल कर लेना है, तो उसके लिए मैं गर्म पानी बिठाई हूँ एक बाउल में गैस के अंदर। उसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक ऐड करूँगी और कुछ रिफाइन ऐड करूँगी, थोड़ा सा रिफाइन ऐड करूँगी, ताकि जो चाउमीन हो वो बहुत ही अच्छे से अलग अलग होके रहे, कहीं भी स्टिकी ना हो, कहीं चिपके ना, इसलिए मैं थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ऐड करूँगी। अब बस मैं ये चाउमीन को उसमें गर्म हो जाने के बाद पानी में उसमें डाल दूँगी, थोड़ा देर के बाद उसको निकाल लूँगी। जब ये पूरा अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाता है मैं निकाल लूँगी। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे के से ये हो चुका है, स्टिकी नहीं हुआ है, ताकि मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऐड की थी इसीलिए स्टिकी नहीं हुआ है। आप लोग भी थोड़ा सा रिफाइन ऐड करें तो ये स्टिकी नहीं होगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। और सारा जो ये प्याज भी थोड़ा ऐड होगा, तो प्याज को मैं पूरा स्लाइस स्लाइस पतले तरीके से काट लूँगी, और सारा जो वेजिटेबल्स मैंने दिखाया उस सारा को मैं पतला पतला ही काटूँगी, ताकि चाउमीन में जो भी पतला पतला और स्लाइस स्लाइस काटने से उसका मज़ा कुछ और ही रहता है। तो पहले मैं पनीर को भून के निकाल लूँगी, इसीलिए मैं कढ़ाई में तेल बिठाकर उसको देख सकते हो आप लोग फ्राई कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग इतना ही फ्राई करना है, मैंने इतना फ्राई करा है। और अब इसको छन के निकाल लूँगी। उसके बाद मशरूम को थोड़ा हल्दी स्वाद अनुसार और नमक देख के पूरा अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद इसको निकाल लूँगी। उसके बाद ही वेजिटेबल्स ऐड करना है, ताकि मशरूम से थोड़ा पानी निकलता है, तो इसीलिए इसको पहले पनीर और जो मशरूम है उसको पहले ही फ्राई करके निकाल दीजिए। बस अभी वेजिटेबल्स भूनूंगी। पहले मैंने डाला मिर्ची, हरी मिर्च 3, ये प्याज डाला, एक एक करके वेजिटेबल्स डालूंगी। इसको हल्का फ्राई करने के बाद डालना है, और मैंने जैसे कि बोला हर वेजिटेबल्स को स्लाइस स्लाइस पतले पतले तरीके से काटना है। चाउमीन में इसे पतले पतले करके काटने से ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हो मैं सब बारीक, मतलब पूरा जो स्लाइस स्लाइस करके, और बहुत ही छोटा छोटा बीन्स को छोटा छोटा काटी हूँ, गाजर को स्लाइस स्लाइस काटी हूँ, कैप्सिकम को भी स्लाइस स्लाइस काटी हूँ। बस प्याज हल्का सेलो फ्राई हो जाने के बाद अभी मैं पूरा उसमें गाजर और बीन्स को पहले डालूंगी, ताकि ये थोड़ा टाइम लगता है पकने में, तो पहले इसको डालूंगी। जो थोड़ा कम टाइम में पक जाता है उसको बाद में डालूंगी, जैसे कि टमाटर को मैं बाद में डालूंगी, ताकि वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। और उसके बाद कैप्सिकम डाल दूंगी, कैप्सिकम भी पक जाता है। और ना चाउमीन में थोड़ा सा कच्चा रहे ना वेजिटेबल्स, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्राई करिए पूरा फ्राई नहीं करने के लिए, हल्का फ्राई करने के लिए, ताकि थोड़ा सा कच्चापन रहे ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चाउमीन के साथ। स्वाद अनुसार नमक हल्दी ऐड करूँगी और उसको मिला लूँगी चारों तरफ अच्छी तरीके से। और कुछ करी पाउडर ऐड कर सकते हैं आप लोग। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ मैं एवरेस्ट का ही यूज करती हूँ। आप लोग सब वीडियो मेरा पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हो, मैं सारा चीज़ एवरेस्ट का, मतलब करी पाउडर एवरेस्ट का यूज करती हूँ। आप लोग के पास जो अवेलेबल है आप लोग ऐड कर सकते हो। मैं अभी ऐड करके उसको चारों तरफ अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। मिलाने के बाद देखिए जैसे कि बोला, इसको पूरा फ्राई नहीं, मतलब जो पूरा पक सब्जी के जैसा पकाना नहीं है, इसको सेलो फ्राई, हल्का फ्राई पूरा करना है, ताकि जब खाने के बाद, खाने से पूरा जो कच्चापन थोड़ा इसका रहे। और थोड़ा सा जो काली मिर्च का पाउडर, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जो है ना चाइनीज आइटम में पूरा स्वाद बहुत ही एनहांस करता है। तो आप लोग काली मिर्च का पाउडर ज़रूर ऐड करें चाउमीन नूडल्स वगैरह बनाने के लिए। बस ये मेरा हल्का
मतलब सेलो फ्राई हो चुका है, अब मैं चावल को ऐड कर दूंगी और उसको चारों तरफ अच्छी तरीके से मिला लूंगी। ऊपर नीचे करके जितना भी वेजिटेबल्स है उसको पूरा अच्छी तरीके से मिला लूंगी, और जैसे कि मैंने दिखाया था पहले फ्राई करके जो पनीर और छत्तू मतलब मशरूम उसको ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसके सामने होटल क्या जो स्ट्रीट साइड का फूड सब फेल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। घर में ही बनाए, मैं वही बोल रही हूँ, घर में बनाए आप लोग भी अच्छा अच्छा खाना बना सकते हैं। हाँ, ऐसे भी तो बाहर खाने का कभी कभी इच्छा करता है, वो अलग बात है, पर आप लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे खाना घर में बना सकते हैं। तो देखिए, बस इसको ऐसे ही मिला देना है, बस ये बन के तैयार है गर्मा गर्म, इसको मैं सर्व कर दूँगी। तो बस यही था आज का वीडियो, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो मैं बोली काली मिर्च का पाउडर ऐड करना ना भूले, वही जो टेस्ट है इसका पूरा एनहांस कर देता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये, आप लोग घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, मेरा रेसिपी, तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। थैंक यू।